बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामईन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुताहिर नाम का मतलब और इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं। ये नाम उर्दू और इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है या इसके स्पेलिंग क्या हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़ुबान है अरबी, यानी इस नाम की इब्तदाई तारीख अरबी ज़ुबान से निकलती है। मज़हब है इस्लाम, यानी इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल मुसलमानों के लिए किया जाता है। जिन्स है लड़का, यानी इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल लड़कों के लिए किया जाता है। मुताहर की मुख्तसर उर्दू मायनी है साफ करने वाला, खालस इंग्लिश मीनिंग है प्योरीफायर प्योर। स्पेलिंग के साथ इस नाम को मुमकिन तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिन तीन ममालिक में किया जाता है, उनमें सरफ़रिस्त है पाकिस्तान, नंबर दो पर है यूएई और नंबर तीन पर है सऊदी अरेबिया। इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले दिनों में शामिल है इतवार और मंगल, जबकि नंबर दो को इस नाम के अफराद के लिए मुनासिब समझे जाने वाले नंबरों में शुमार किया जाता है। और इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाली दातों में शामिल है कॉपर यानी तांबा। और इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले रंगों में शामिल है सुरख, जंगनुमा और हल्का सबस, जबकि पखराज नामी पत्थर को इस नाम के अफराद के लिए मुवाफिक समझे जाने वाले पत्थरों में शुमार किया जाता है। और इस नाम के अफराद के बारे में ये समझा जाता है कि ये लोगों की मुखालफत के बावजूद हालात का मुकाबला करना पसंद करते हैं और अपनी बात पर हमेशा कायम रहने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के लिए कोई भी नाम फाइनल करने से पहले अपने इमाम मस्जिद या किसी आलम दीन से मशवरा ज़रूर करें। और इसके साथ साथ आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।